सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में कुछ मॉडल्स के बारे में बात किया था, जिसमें सैंडविच मॉडल या ट्राई लैमेलेट मॉडल भी एक इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट जो रॉबर्टसन ने दिया था वो भी था। आज हम लोग उसका एक जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल या थ्योरी है, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था, वो हम लोग आज इसको देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का मॉडल में। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। तो जो हमारा लास्ट मॉडल है वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है? कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बेसिकली इस मॉडल में आखिर है क्या, तो ये हम लोग पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसने दिया था ये? बाई सिंगर, गायक, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, साइंटिस्ट थे, और निकोलसन ने, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इनका क्या कहना था, या भले लोग इसलिए लिख लेते हैं, इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है, सबसे जिसके अभी तक जो सबसे करीब, सबसे नज़दीक, जो कि उसको अच्छे से डिफाइन कर सकता है, वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हम लोग आइए पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, इन्होंने क्या बताया था, फिर स्ट्रक्चर समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको थियोरेटिकली लिख लेंगे। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने देखा था इसमें जो डैनियल और डेविसन ने जो सैंडविच मॉडल दिया था उसमें भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, लेकिन बहुत सारे चीज़ मिसिंग थे उसमें। उन्होंने सिर्फ बस एक ट्राई लेयर का स्ट्रक्चर का थ्योरी दिया था, लेकिन इसने क्या बताया, इन्होंने बताया कि लिपिड बाई लेयर तो होगा ही, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, क्या है, फॉस्फोलिपिड, ये भी फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है, ये हेड है, ये टेल है, सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। नया क्या है, इन्होंने बताया कि फॉस्फोलिपिड तो हैं ही, लेकिन प्रोटीन्स जो है वो आउटर साइड में भी रहेंगे और इनर साइड में भी रहेंगे। मतलब ये अगर एक कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरीके का, अगर हम सर्कुलर बनाते हैं इस तरीके से, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं इसको, यहाँ सेल वॉल है हमारा, प्लांट सेल की बात करें तो क्या होगा कि यहाँ तो रहेगा ही प्रोटीन, यहाँ भी प्रोटीन है, यहाँ लिपिड है, सेंटर में भी प्रोटीन हमें देखने को मिलेगा, लिपिड के बीच में भी क्या होगा, प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, और बाहर में भी देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो कि इसमें बिल्कुल एम्बेडेड होंगे, किसमें, फॉस्फोलिपिड में, धंसे हुए होंगे अंदर की तरह, और कुछ एक ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन देखने को मिलेगा जो कि एक साइड से बिल्कुल दूसरे साइड तक एक कंप्लीट प्रोटीन की तरह प्रेजेंट होगा, जो कि टनल की तरह काम करेगा, यहाँ से कोई सब्सट्रेट है इसको इधर लाने में हेल्प करेगा, या यहाँ से कोई सब्सट्रेट को इधर लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो नई नई बातें क्या थी, इन्होंने बताया कि फॉस्फोलिपिड तो लार्ज मोस्ट अमाउंट में है ही, मैक्सिमम अमाउंट में, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन दो फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में भी हो सकता है प्रोटीन, फॉस्फो लेयर के बीच में एम्बेडेड भी हो सकता है, और मेम्ब्रेन में एक चैनल की तरह काम करने के लिए ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन भी होगा, जो कि एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, ठीक है, कैरियर की तरह। अब हम लोग समझते हैं इसमें है क्या क्या। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर प्रोटीन होगा, तो इसमें क्या कहा गया कि प्रोटीन्स को किससे कंपेयर किया, आइसबर्ग से, ठीक है, और लिपिड को किससे कंपेयर किया, सी से। तो टाइटैनिक मूवी में आप लोगों ने देखा होगा क्या कि समुद्र में क्या था, आइसबर्ग के बड़े बड़े जो आइस के जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स जैसा, वो उनको आइसबर्ग बोलते हैं, तो वो समुद्र में ऐसे ही तैरते रहते हैं या एक जगह फिक्स होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जब देखते हैं मॉडल को, तो देखने से कैसा लगता है कि एक आइसबर्ग है, प्रोटीन क्या है, लाइक आइसबर्ग इज फ्लोटिंग ऑन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, समझ में आ रहा है, इट कैन बी सेड दैट प्रोटीन्स लाइक आइसबर्ग आर फ्लोटिंग ऑन सी ऑफ
फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। हाँ, तो ये क्या था कि प्रोटीन्स लाइक आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग ऑन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। आपको याद रखना क्या है, सी से किसको कंपेयर किया है, फॉस्फोलिपिड को, ठीक है। और प्रोटीन आइसबर्ग से किसको कंपेयर किया, प्रोटीन से। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या, इसका और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें इन्होंने बताई थी जिसके वजह से इसको मोस्ट एक्सेप्टेड माना गया। सही थोड़े हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। अभी देखिए क्या है, ये जो प्रोटीन्स हैं सारे जो मैंने ग्रीन से बनाया है, रेड से बनाया है, ब्लैक से बनाया है, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट था, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, इसमें बताया गया इन्होंने। पहला क्या था, पहला था इंट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा क्या था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। पहला था इंट्रेंसिक और दूसरा था एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक कौन सा और इंट्रेंसिक कौन सा, हम लोग उसको देख लेते हैं। इंट्रेंसिक प्रोटीन इन्होंने उन सारे प्रोटीन्स को बोला जो कि या तो मेम्बाइलेयर के अंदर थे बिटवीन में, या उसके अंदर एम्बेडेड थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, और सबसे मेन बात, इंट्रेंसिक प्रोटीन टोटल स्ट्रक्चर कितना परसेंट है, अप्रॉक्स 70%, ठीक है। 70% है इंट्रेंसिक प्रोटीन, और एक्सट्रेंसिक कितना है, तब 30% टोटल प्रोटीन्स में जो कंपोजिशन है वो 70% इंट्रेंसिक का है, और 30% के अप्रॉक्स का है एक्सट्रेंसिक का। इंट्रेंसिक प्रोटीन क्या है, आइदर प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर, कौन सा टू लेयर, लिपिड्स का, और एम्बेडेड बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स, या तो बीच में होगा नहीं तो उसमें धंसा हुआ होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, अगर हम लोग इस एक्सट्रिंसिक इंट्रेंसिक प्रोटीन को यहाँ से हटाना चाहें, इसमें से बाहर निकालना चाहें, तो ईजिली आप बाहर आ जाएगा, या हमें उसमें थोड़ी सी एनर्जी या कुछ उसमें कुछ डिटर्जेंट या कुछ एसिड वगैरह डालना होगा, मतलब आसानी से आ जाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसको बाहर निकालना। तो जब दोनों के बीच में ये है, आप लोग काम करिए, एक सेंटर में कॉपी रख दीजिए, नीचे 5 बुक, ऊपर 5 बुक, और ऊपर से हाथ दबाए रखिए ऊपर वाले बुक पे, ठीक है। तो अब उस कॉपी को खींचेंगे तो क्या होगा, बहुत मेहनत लगेगी आपको खींचने में, फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या है कि इस प्रोटीन को यहाँ से निकालने में क्या है, आसानी से नहीं निकलेगा, डिफिकल्ट है। तो क्या लिखेंगे, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट आउट द प्रोटीन्स, ठीक है, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट आउट प्रोटीन। प्रोटीन को बाहर निकालना बहुत कठिन है। कब निकलेगा, निकलेगा तब जब हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ डिटर्जेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या कुछ डिटर्जेंट को अगर हम लोग इसके ऊपर ट्रीट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसको निकालना इजी होगा, ऐसे बहुत कठिन है निकालना। समझ में आ रहा है, इसका एग्जांपल क्या होगा, साइटोक्रोम P450 क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। वहां आपको मैं एक बार और याद करवाऊंगा। यहाँ क्या है, हार्मोन रिसेप्टर्स, वो भी कैसे होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये जो टनल प्रोटीन है, हम उसको लेबल करेंगे बाद में, इसको आपको इतना दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार,
हाँ दिख रहा है। चलिए ये क्या है, टनल प्रोटीन जो है या ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस का मतलब ही होता है एक साइड से दूसरे साइड, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज ऑल्सो टनल प्रोटीन, सॉरी इंट्रेंसिक प्रोटीन। ठीक है, टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो एक्सट्रिंसिक का भी एग्जांपल है। अभी समझिए, अब हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर आते हैं, ये तो सिंपल है, बहुत आसान है। क्या है, बाहर रहेगा, प्रेजेंट बिटवीन नहीं, प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन आउटर और इनर सरफेस। आउटर सरफेस मतलब ये जो आउटर एनवायरनमेंट में है और ये तो अंदर, यहाँ आप लोग समझ लीजिए क्या ट्वार्फ साइटोप्लाज्म की तरफ ये है और ट्वार्फ ये आउटर एनवायरनमेंट की तरफ है। तो आउटर और इनर सरफेस में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको निकालना क्या बहुत आसान है, इजी टू एक्सट्रैक्ट, आसानी से इसको हम लोग बाहर से निकाल सकते हैं। और ये क्या मूवमेंट करते रहता है, किस फॉर्म में रहता है, डायनेमिक फॉर्म में रहता है, स्टैटिक नहीं है कि हाँ एक जगह फिक्स है तो फिक्स है, ये मूवमेंट भी कर सकता है ऊपर से। ठीक है, तो मूवमेंट हम लोग आप समझ जाएगा यहाँ से क्या है कि ये मूव कर सकता है ऊपर। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा साइटोक्रोम सी इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे या हम लोग जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस समय आपको पढ़ने को मिलेगा कि चार पांच तरह के साइटोक्रोम, जिसमें एक साइटोक्रोम सी भी होगा। ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का है। तो इतना इसमें था। अब हम लोग देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, अभी आगे क्या है, अभी देखना क्या। तो प्रोटीन हम लोग कवर कर लिया, फॉस्फोलिपिड भी देख लिया हम लोगों ने। अब ये सब जो स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ थोड़ा लाइट आ रहा है लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ भी है और ये अंदर ये इस तरह का स्ट्रक्चर। तो पहले बाहर देखते हैं, पहले इनर ही देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल्स, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर फाउंड ऑन इनर सरफेस। ये जो देखने को मिल रहा है ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं। ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ये इनर सरफेस से पाया जाएगा कोलेस्ट्रॉल। और याद रखना ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होगा कि इनर सरफेस पर पाया जाएगा कोलेस्ट्रॉल। अब प्रोकैरियोट कहाँ गया, तो नोट यहाँ लिखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नो कोलेस्ट्रॉल, इन सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल के जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ उठता है। तो एट प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओपन वाइड्स, ओपन वाइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अभी समझना है, कोलेस्ट्रॉल हो गया आपको, उसको लेबल करना है कोलेस्ट्रॉल की तरह।
अब ऊपर जो है, क्या है ऊपर? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये दो चीज़ें क्या हैं और नहीं हैं? ऑन सेल मेम्ब्रेन, ऑन आउटर सरफेस। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस के ऊपर पाया जाएगा और कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ इनर सरफेस के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट कैसा? ऑलिगोसैकेराइड्स। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अभी समझिए क्या है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट, अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से ज्वाइन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो नाम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और यही अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बोलेंगे? ग्लाइको लिपिड्स। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर उसका ज्वाइन हो जाता है, तो वो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जो बनाएगा उसको? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि लिपिड मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं क्या, ग्लाइकोलिपिड भी होगा, और ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। नहीं, अगर थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये भी हमारा, क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, सिर्फ आउटर सरफेस पे। यही सब चीज़ें याद रखनी है आपको। बोथ सरफेस दे सकता है, इनर सरफेस दे सकता है। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाएगा? इनर सरफेस पे। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाएगा, उस जगह पे क्या पाया जाएगा? ओपन वाइट आर प्रेजेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग इसको लेबल कर लेते हैं। ये क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये क्या है जो रेड से स्ट्रक्चर दिखाई दिया गया? ये है टनल प्रोटीन्स। टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, और ये पोर है, पोर, ये जो आपको ब्लू कलर से मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये पोर्स है, पोर्स ड्यू टू ट्रांस मेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये भी इस मॉडल ने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड है वो भी क्या है? सबसे मोस्ट मेजर कंपोनेंट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। इसको आप लोग अच्छे से फिगर बना के नोट करिए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, पंखा बंद कर दो, हम लोग आगे देखते हैं। अभी क्या है, बस 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं और इसका स्टेबिलिटी और मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ये ग्लाइकोलिपिड्स था। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर यहाँ क्या बात करें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की, एग्जांपल स्पेक्ट्रीन। स्पेक्ट्रीन पाया जाता है आरबीसी के सरफेस पे। काम क्या है? शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, स्पेक्ट्रीन कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी के सरफेस पे। काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, उसके शेप को मेंटेन रखना। अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसका क्या काम है?
कहाँ पाया जाएगा सबसे पहली बात? तो जो जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, परमीएजेस, और क्या लिख सकते हैं एग्जांपल में, पोरीन्स और परमीएजेस हम कहाँ पढ़ेंगे? परमीएजेस जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, चैप्टर 11 जो है एनसीईआरटी का, क्लास 11th का, उसमें जब सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें पोरीन्स और परमीएज के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब आगे बात करते हैं सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड होगा, कैसे स्टेबल रहेगा ये? तो कोलेस्ट्रॉल जो है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट है इनर सरफेस पे, वो क्या करेगा, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि थोड़ा रिजिड होता है कोलेस्ट्रॉल, टफ होता है, तो क्या करेगा, उसको स्टेबल रखने में हेल्प करेगा। और अगर बात करें मूवमेंट्स की, फ्लूइडिटी, ठीक है, तो अगर एक ये दो लिपिड है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मूवमेंट क्या क्या हो सकता है? या तो ये दोनों एक दूसरे में मूव करेगा, गोल गोल घूमेगा खुद एक ही प्लेन में, या ये वाला इधर आएगा और ये वाला फिर दोबारा इधर आएगा, ऐसा मूवमेंट हो सकता है। ये नीचे आ जाए, ये ऊपर आ जाए, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऐसा गोल गोल अब खुद में घूमेगा, मतलब कि एक ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे, और फिर एक यहाँ पे ऐसे है, उसके जस्ट नीचे एक यहाँ पे ऐसे है। तो ये या तो खुद एक दूसरे में ऐसे मूव करे, ये इधर आ जाए इसके जगह पे, और ये इधर आ जाए इसके जगह पे, या क्या हो सकता है कि ये ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाए, इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, फिर ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो दो तरीके का मूवमेंट होता है। हालांकि जो ये वाला मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन लैटरल मूवमेंट होता है ड्यू टू लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट के वजह से क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। तो इसी के वजह से जो ये पूरा थ्योरी है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्या बताता है, एक क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर की तरह डिफाइन करता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर के को किसने बताया, तो सिंगर एंड निकोलसन ने। आपको याद रखना है कि इसी फ्लूइडिटी की वजह से, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, इसी फ्लूइडिटी की वजह से क्या है कि ये क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। अब समझिए एक और पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल मतलब पता तो होगा ही, इसको अगर कट करेंगे तो इक्वल प्लेन में डिवाइड नहीं होगा। रीजन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्यों है, रीजन क्या है, रीजन सबसे बड़ी रीजन आप लोग खुद फिगर देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन तो ऊपर है, कोलेस्ट्रॉल नीचे है, अगर दोनों अगल बगल कुछ ग्लाइकोप्रोटीन नीचे होता है, कोलेस्ट्रॉल ऊपर होता तो कट करते तो दो प्लेन में डिवाइड हो जाता, लेकिन क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लाइकोप्रोटीन्स का और कोलेस्ट्रॉल का, दोनों दो डिफरेंट साइड में पाया जाता है, इसीलिए क्या है, एसिमेट्रिकल है। आप लोग यहाँ रीजन में लिख लेना है कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज एसिमेट्रिकल, द रीजन इज दैट द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स और वी कैन से द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट इन इनर सरफेस। इफ दे वेयर प्रेजेंट ऑन बोथ सर्फेस, कोलेस्ट्रॉल अगर ऊपर भी होता नीचे भी होता, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट ऊपर होता नीचे होता, तो क्या होता, ब्रेन कट करते तो दोनों साइड हमें देखने को मिलता कि दोनों हैं, इसीलिए हम लोग उसको उसमें सिमेट्रिकल बोलते हैं, लेकिन ए सिमेट्रिकल इसलिए होता है। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, एंजाइम की बात करें अगर,
बहुत गर्मी है और फैन चला देने के बाद तो और आवाज खरखर खरखर करेगा। एंजाइम में क्या है? मोर देन 30 एंजाइम्स आर फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मोर देन 30 एंजाइम्स आर फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन, जिसमें ATPase एंजाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग क्या लिखिएगा कि मोर देन 30 एंजाइम्स आर फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द देम इज ATPase विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजोम, वहां होता है ATPase। मतलब कि फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ये दोनों में आपका क्या आएगा ATP के इसका नाम आएगा। आप मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि क्या यूज़ होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर लिया है, एक भी मॉडल नहीं छूटा, बस एक ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट मैं आपको वहीं बताऊंगा क्लास चैप्टर 11th में, यहाँ मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, वहाँ बताऊँगा तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट का चैप्टर ही है, वहाँ पोरिंस का भी नाम आएगा, सब चीज़ का आएगा, तो मैं बता दूंगा और फिर वो वीडियो मैं यहाँ भी ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने करीब करीब सेल एनवेलप को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब क्या बचा? साइटोप्लाज्म। अब हम लोग जाएंगे साइटोप्लाज्म में। हाँ, एक और चीज़, अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है? हाँ, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है? अगर हम लोग एक सेल बनाते हैं, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी सबको एक साथ क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ऑल द कंटेंट्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट कब बोलेंगे? जब हम लोग उसी प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन को ऐड कर देते हैं। व्हेन सेल मेम्ब्रेन इज इंक्लूडेड इन प्रोटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसका एक और डेफिनेशन हम लोग इसको अच्छे तरीके से और कैसे बोल सकते हैं कि अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। या तो प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन ऐड कर दो, या तो सेल से सेल वॉल हटा दो, बचेगा क्या? बचेगा तो वही ना, सेल मेम्ब्रेन और फिर कंटेंट। तो सेल विदाउट सेल वॉल और व्हेन प्रोटोप्लाज्म इज एडेड टू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ये सारी डिफिनीशंस थी, हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके अलावा सिर्फ आप एक NCERT का थोरो रीडिंग करिए, एक बार दो बार वो तो करनी ही पड़ेगी आपको, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो बोर्ड हो या मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम। सबसे बेस्ट तरीके से सारे मॉडल्स मैंने एक्सप्लेन किए। अगर कुछ ऐसा छूटा भी हुआ होगा तो मैं चैप्टर के लास्ट में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया है, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि पढ़ाते वक्त प्रिंट में नहीं आते, बाद में आते, तो मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा 10-12 मिनट का जिसमें उस सारे चीज़ को मैं कवर कर दूंगा। आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, सिर्फ आपके अलावा उसके अलावा NCERT पढ़िए। अभी तो हम लोगों ने उतना कोई पढ़ा नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन बनेगा, 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। कुछ डाउट्स है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है वीडियो के वो आप तक पहुँच जाए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।